हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहते हैं कि आज के प्रयोग में क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों, यह तो आप जानते ही है ना कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसकी बाहरी सतह अंदर की ओर वक्र यानी कि दबी हुई होती है। जी दीदी। लेकिन क्या आप एक अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं? दीदी, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बारे में तो आपने बताया था, पर अवतल लेंस के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, आज हम अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक अवतल लेंस और लेंस होल्डर, क्लिप्स के साथ एक पर्दा, बेस के साथ एक मोमबत्ती और माचिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिप्स की सहायता से पर्दे को मेज के एक किनारे पर रख लेते हैं। अब एक अवतल लेंस को होल्डर में लगाकर पर्दे के सामने कुछ दूरी पर रख लेते हैं। फिर लेंस से कुछ दूरी पर एक मोमबत्ती रख लेते हैं। इसके बाद माचिस की सहायता से मोमबत्ती को जला देते हैं। बेहतर अवलोकन के लिए कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। अब मोमबत्ती को लेंस की ओर तथा लेंस से दूर सरकाते हैं और पर्दे पर लौ का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं और साथ ही इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन भी करते हैं। इसके बाद मोमबत्ती को फिर से लेंस की ओर तथा लेंस से दूर सरकाते हैं, लेंस में मोमबत्ती के प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। तो हमने क्या देखा? दीदी, किसी भी स्थिति में पर्दे पर तो कोई प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं हुआ, लेकिन लेंस में देखने पर हमें मोमबत्ती का एक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इतना ही नहीं बच्चों, मोमबत्ती को लेंस के पास लाने पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब आकार में कुछ बड़ा होने लगता है और मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब का आकार छोटा होने लगता है यानी घटने लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवतल लेंस पर आभासीय प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। आभासीय प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए लेंस में देखने पर हमें मोमबत्ती का सीधा
एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसका आकार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता जाता है। तो आज हमने अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में सीखा। ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।